जो जीना पति स्वरूप गुरुवर पुनीतांता प्राज्ञा गहन तम तत्वे सुनिपुण श्रुत स्वाध्या प्रशस्या शास्त्राणां सुषमतर संपादन श्रुति महाप्रज्ञ पूज्यो जिनपति स्वरूपो गुरुवर। यहाँ बैठा बैठा व्यक्ति क्षण भर में दुनिया के किसी भी छोर तक पहुंच जाता है। बहुत तेज गति वाले वाहन बने हैं, रफ्तार बहुत तेज है, घंटा में 600 किलोमीटर 800 किलोमीटर और अंतरिक्ष यान की तो और लंबी बात है, किंतु शायद अब तक भी मन की जो गति है उतनी तेज गति वाला कोई वाहन नहीं बना है। इतनी तेज रफ्तार है कि कहीं चला जाता है और वह भी अप्रतिहत, कोई रुकावट नहीं, कोई ब्रेक नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, चला जाता है और कहीं किसी अड्डे की, हवाई अड्डे की या हेलीपैड की किसी की ज़रूरत नहीं और न कहीं पेट्रोल और कुछ ईंधन लेने की ज़रूरत है। बिना कुछ लिए अविराम अबाध गति से गति कर रहा है हमारा मन। तो आप सोचे, हर आदमी यात्रा तो कर रहा है, कोई भी यात्रा के बिना नहीं है, पर कभी कभी हमारी कोई स्थूल प्रवृत्ति होती है और उसके साथ कोई विशेष उद्देश्य जुड़ जाता है तो सबका ध्यान जाता है कि यात्रा हो रही है। जैन मुनि 4 महीनों को छोड़ दें वर्षावास को, तो 8 महीने तो सदा यात्रा करती हैं, यात्रा निरंतर होती है। फिर नई बात क्या थी, हमारे लिए कोई नई बात नहीं, यात्रा तो हमारा धर्म है, जीवन का व्रत है यात्रा करना, पर एक उद्देश्य के साथ जो कार्य होता है वह अलग चिन्हांकित हो जाता है, रेखांकित होता है। यात्रा एक उद्देश्य सामने रहा कि हम धर्म की बात करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, करुणा की बात करते हैं, गुणगान भी करते हैं, अच्छा मानते हैं, अहिंसा बहुत अच्छी, करुणा बहुत अच्छी, सब मानते हैं, पर उसको जानते नहीं। बड़ा कठिन प्रश्न है, जाने बिना मानी हुई बात हमारा साथ नहीं देती। जब व्यक्ति सच्चाई को जान लेता है फिर मानने की जरूरत नहीं होती। मानना बहुत ठूल बात है, छोटा बच्चा भी मानता है, छोटा बच्चा माँ की बात को बहुत मानता है। हम कई बार देखते हैं बच्चे आते हैं, माँ कहती है जाओ नमस्कार करो, बच्चा आता है नमस्कार करता है, फिर उधर देखने लग जाता है, फिर माँ कहती है नहीं चरण का स्पर्श करो, तो फिर करता है। तो ऐसा लगता है कि रिमोट कंट्रोल तो वहाँ काम कर रहा है, बच्चा तो कोराकट पुतली जैसे घूम रहा है, जैसा निर्देश मिलता है वैसा काम कर रहा है, क्योंकि बच्चा मानता है। और न माने तो जीवन चल भी नहीं सकता। मानना जरूरी होता है, माता बच्चे का पालन पोषण करती है और वह तभी संभव होता है कि बच्चा माँ की बात को मान कर चलता है, माँ की उंगली को पकड़ कर भी चलता है, मानता है। किंतु मानने की बात सदा रहे कि इससे आगे की बात सोचनी चाहिए। भगवान महावीर ने जो निर्देश दिया कि स्वयं सत्य की खोज करो, एक बड़ा महत्वपूर्ण वैज्ञानिक निर्देश है। अपना सत्य में शिज्जा, स्वयं सत्य खोजो,
मानते मत रहो, कोरे मानो मत, स्वयं खोजो। आज की हमारी समस्या है कि मानने के कारण स्थितियां बदल गई। हमारे पुराने ग्रंथ हैं, पुराने शास्त्र हैं, उनमें निर्देश दिया। आज सारा युग बदल गया, स्थितियां बदल गई, जीवन का क्रम बदल गया। अब अगर हम मानते ही चले जाएं और स्वयं सत्य का खोज न करें तो बड़ा द्वंद्व, अंतर द्वंद्व पैदा हो जाता है। आज हमें जानने की भी जरूरत है। चाणक्य ने बहुत सुंदर कहा था, तो यश्च नास्ति स्वयं प्रज्ञा, शास्त्रम तस्य करोति किम्, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणे किं करिष्यति। जिसकी अपनी प्रज्ञा नहीं है, शास्त्र क्या करेगा? अपनी प्रज्ञा से काम लो, अपनी प्रज्ञा से चलो, अपनी प्रज्ञा को जागृत करो, तब होगा। केवल शास्त्र के भरोसे तुम चल नहीं सकते। प्रज्ञा से काम लो, प्रज्ञा का जागरण करो, अपनी प्रज्ञा जगाओ, तो तुम्हारा जानना होगा, ज्ञान का विकास होगा। मैंने अनुभव किया है कि युग के साथ अनेक समस्याएं आती हैं, युग के साथ अनेक नियम पुराने टूटते हैं, नए बनते हैं, युग के साथ अनेक स्थितियां बनती है। वह हमें अपनी प्रज्ञा को जागृत करना चाहिए, बहुत आवश्यक है। प्रज्ञा जागरण के बिना धर्म का भी बोध नहीं हो सकता। हमारी प्रज्ञा जागृत हो। जब केशी स्वामी, गौतम स्वामी, जो एक पार्श्वनाथ के शिष्य, एक भगवान महावीर के शिष्य, दोनों मिलते हैं, चर्चा होती है, संवाद होता है, वहाँ एक बड़ा मार्मिक सूक्त आता है, पन्ना समीक्षये धम्मम, धर्म की समीक्षा प्रज्ञा से करो, अंतर्दृष्टि से करो। केवल बाहर दृष्टि से काम नहीं चलेगा, अंतर्दृष्टि से काम करो। और अंतर्दृष्टि तब जागती है जब व्यक्ति की चेतना में मैत्री का, अहिंसा का भाव, करुणा का भाव, प्रमोद भावना और मानवीय एकता या प्राणी जगत के प्रति एकता का भाव और अनुभूति होती है, तब प्रज्ञा का जागरण होता है। उसके बिना संभव नहीं है। आज की बहुत बड़ी समस्या है यह लड़ाई, झगड़ा, कलह। आदमी का भाव, इमोशन इतना प्रबल हो गया, उत्तेजना इतनी जल्दी आती है कि कोई पता नहीं युग का प्रभाव, कोई ग्रह गण का प्रभाव या नक्षत्रों के विकिरण का प्रभाव, किसका प्रभाव है कि सहन करने की शक्ति जैसे समाप्त हो रही है। और जब असहिष्णुता बढ़ती है तो आदमी सीधा लड़ाई में उतरता है। जिसमें सहन करने की शक्ति है वह कभी लड़ता नहीं। अगर एक बात आ जाए, अहिंसा की दृष्टि से बहुत बड़ा सूत्र है कि सहिष्णुता का विकास, हम एक दूसरे को सहन करें, दूसरे के विचारों को सहन करें, दूसरे की रुचि को सहन करें, दूसरे के जीवन शैली को सहन करें, हम सहन करें। सहन करने का मतलब यह नहीं होता कि अपने अस्तित्व को गंवा देना है। अपने अस्तित्व की तो सुरक्षा वही करेगा जिसमें सहन करने की शक्ति है। सहिष्णुता का अर्थ होता है क्षमा, क्षमता, सामर्थ्य। जिसमें कमजोर आदमी कभी सहन नहीं करता। कमजोर आदमी का लक्षण है कुछ भी कहो और तत्काल गुस्से में आ जाएगा, सहन नहीं कर सकता वे। संत एकनाथ महाराष्ट्र के बड़े संत हुए हैं, बड़ी सहन करने की शक्ति थी और बड़े उदार विचार के, अहिंसा के विचार उनके बड़े प्रबल थे। और जिसमें अहिंसा का भाव होगा, विचार होगा, अहिंसा को जानेगा, वह जात पात को भी नहीं मानेगा, सांप्रदायिक कट्टरता को भी नहीं छुएगा, अप्रामाणिकता भी नहीं करेगा,
लड़ाई झगड़ा भी नहीं करेगा। तो वे तो बड़े संत थे और उनका जात पात में विश्वास नहीं था। एक बार एक हरिजन की कन्या आई, आकर बोली, तो मैंने सुना है कि आप जात पात को नहीं मानते। बोले, हाँ नहीं मानता हूँ मैं तब मानूँ कि जब आप हमारे घर से कुछ लें, भिक्षा लें या रोटी खाए हमारे घर पर, मेरी झोंपड़ी पर आप रोटी खाएं, तब मैं आपकी बात को मान सकती हूँ। ऐसा होता है, समस्या हो जाती है। हम जब गुजरात की यात्रा कर रहे थे, हमारे कार्यकर्ता जो प्रशिक्षित कार्यकर्ता थे अहिंसा यात्रा के साथ, वे एक गांव में दो बस्तियां ज़्यादा थी, चरमकारों की और मुसलमानों की, दोनों के पास गए कि आज आचार्य जी आ रहे हैं और आप सबको उसमें भाग लेना है। तो चरमकारों के पास गए और बोले कि सब बताया कि हम जात पात में सांप्रदायिक कट्टरता में विश्वास नहीं करते, कि आप जात पात में विश्वास नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते, तो आओ हमारे साथ चाय पियो तो हम मानेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, वहाँ चाय पी ली, अब विश्वास हो गया। मुसलमानों के वहाँ गए तो मुसलमानों ने कहा कि हमारे यहाँ भी ताजे ताजे भुजिया या कुछ बन रहे हैं, आप खाओ तब हम मानेंगे कि आप हमारे साथ हैं। वहाँ भी खा लिया, खाना तो दोपहर पड़ा, पर खा लिया, विश्वास हो गया। तो उसे हरिजन कन्या को भी विश्वास हो रहा था, नहीं हो रहा था। उसने कहा आप मेरी झोंपड़ी में आए तब मैं मानूंगी कि आप जात पात को नहीं मानते। संत एकनाथ चले गए, भोजन कर लिया और तब उसको विश्वास हो गया। हम भी आज जहाँ गए सूफी संतों के वहाँ, सूफी जो मुसलमान का एक बड़ा आध्यात्मिक संप्रदाय है, रहस्यवादी संप्रदाय, और सूफियों की बड़ी लंबी परंपरा रही है, तो पहले ही कार्यकर्ताओं से पूछा कि आचार्य जी हमारे यहाँ का कुछ लेंगे या नहीं लेंगे। तो कार्यकर्ताओं ने बता दिया कि जहाँ कोई मिश्रण नहीं है, शुद्ध है, तो वह चीज़ आपके ले सकते हैं। तो संत एकनाथ गए और भोजन किया और ब्राह्मणों को पता लगा, विरोध हो गया और संत एकनाथ को जाति से बाहर कर दिया। बड़े सहिष्णु थे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। अब जब समय आया श्राद्ध का समय, तो ब्राह्मण तो कोई आ नहीं सकता था, किंतु इतने पहुँचे हुए साधक थे, पितरों को आमंत्रण किया, आह्वान किया और पितर स्वयं भोजन के लिए आ गए, तो फिर सारी स्थिति बदल गई। हमें जानना है, केवल मानना नहीं है। हम मानते कब तक चलेंगे? छोटा बच्चा तो मानता है, फिर तो जानने की प्रक्रिया भी शुरू होनी चाहिए। और जानना साधना के बिना नहीं होता, प्रज्ञा का जागरण साधना के बिना नहीं होता, केवल बातों से नहीं होता, केवल बखानों से प्रवचनों से नहीं होता, उसके लिए तपस्या करनी होती है। और जब तक आदमी स्वयं तपस्या नहीं करेगा तब तक वह संभव नहीं। और तपस्या में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात मैं मानता हूँ आत्मा का ज्ञान, संयम। आत्मा का ज्ञान हुए बिना संयम प्रधान शैली बनती नहीं है। जब तक व्यक्ति शरीर पर रहता है, शरीर में रहता है, तब तक वह हिंसा को बढ़ावा देता है। और जब हमारी चेतना शरीर को भेदकर भीतर आत्मा की ओर चली जाती है, वहाँ से अहिंसा का विकास होता है। दोनों अलग अलग नहीं है। हिंसा करने वाले भी आपके पास है, अहिंसा वाले भी आपके पास है। और प्रपंच को हम छोड़ दें तो दो है, शरीर भी है और शरीर के भीतर आत्मा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप शरीर की चर्या के लिए 24 घंटों में कितना समय लगाते हैं और आत्मा के लिए कितना समय लगाते हैं? बस एक प्रश्न पर आप चिंतन कर लें। शरीर की चर्या में आपका कितना समय बीतता है? 24 घंटा में लगभग 10 घंटा तो बीतता ही होगा। 5-6 घंटा नींद लेते हैं शरीर के लिए, और शेष जो 3-4 घंटा है, खाना पीना, स्नान करना, सजना संवारना आदि आदि, कपड़े पहनना, सारा समय बीतता है। ज़्यादा न माने
तो भी 10 घंटा का समय तो आपकी देहचर्या के लिए बीतता है और शेष रहता है 14 घंटा का समय। वह 14 घंटा का समय जीविका के लिए लगभग बीत जाता है, पूरा नहीं बीतता है, 8-10 घंटा फिर माने कि कमाई जीविका के लिए चलता है, 20 घंटा और 4 घंटा निकम्मे कामों के लिए, कभी दूसरों की आलोचना, कभी समीक्षा। राजस्थान में तो एक चालू शब्द है धोबी पाटा, और बहुत पाटे होते हैं वहाँ। धोबी पाटा बाजार के नुक्कड़ पर ही होता है और लोग जब भोजन कर लेते हैं तो घंटा 2 घंटा का समय वहाँ बिताते हैं और सारे गांव की सफाई कर देते हैं। धोबी इतनी सफाई नहीं कर सकता, सबके कपड़ा एक दिन में नहीं धो सकता, पर धोबी पाटे पर तो पूरे गांव की सफाई हो जाती है। तो समय आदमी का निकम्मा बीतता है, 2-4 घंटा का समय निकम्मी बातों में बीत जाता है। ऐसे कितने लोग हैं जिनका स्वाध्याय में समय बीतता है, ध्यान में समय बीतता है, अप्रमाद में समय बीतता है। हम समीक्षा करें कि बहुत लोगों को कहा जाए कि कुछ समय लगाओ, तो आज का घड़ा घड़ाया उत्तर है व्यस्त बहुत हूँ, बहुत बिजी। हम लोग कलकत्ता की यात्रा में थे, आचार्य तुलसी कलकत्ता पधारे थे और ऐसा ही प्रसंग आता वहाँ का, हर युवक कहता मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ। आखिर सुनते सुनते हमने चिंतन किया और मैंने एक लिखा, उसका निष्कर्ष यही लिखा कि जो आदमी कहे मैं बहुत बिजी हूँ, इसका मतलब है वह सबसे निकम्मा आदमी है दुनिया का। कोई भी समझदार आदमी, काम करने वाला कभी नहीं कहता मैं बहुत बिजी हूँ। हमने बहुत लोगों को पूछा, बहुत लोगों को, आपके तो इतना काम रहता आप कैसे करते हैं। आचार्य तुलसी ने पंडित नेहरू से पूछा, जब पहली बार हमारा संपर्क हुआ था तब आचार्य से ने पूछा कि पंडित जी आप पढ़ते हैं क्या। वे बोले आश्चर्य के साथ, आचार्य जी पढ़े बिना मेरा काम ही कैसा चले, काम ही नहीं चलता। जब तक रात को 3 घंटा पढ़ नहीं लेता हूँ तब तक मैं सोता नहीं हूँ, और उसके बिना काम ही नहीं चलता। सही बात है कि जो व्यक्ति जिसको बड़ा काम करना होता है और उसका ज्ञान बड़ा नहीं होता, वह समाज की स्थितियों को नहीं जानता, देश की स्थितियों को नहीं जानता और विश्व की समस्याओं को नहीं जानता, वह कोई भी आदमी बड़ा काम नहीं कर सकता। आज के धर्म के लोग तो काफ़ी संकुचित तो हो गए, पढ़ना भी कम करते हैं, स्वाध्याय कम करते हैं, बहुत कम। मेरे सामने कई बार प्रश्न आया कि पहले जहाँ 13 पंथ के लोग या हम लोग जहाँ जाते थे तो कभी कभी विरोध का स्वर भी, कभी कभी नहीं बहुत बार विरोध का स्वर भी आता था। जब आचार्य तुलसी ने अहमदाबाद में चतुर्मास किया, चौमासे भर हमारा भयंकर विरोध हुआ और विरोध करने वाले थे पन्यास चंद्रशेखर विजय जी। आज तो वे इतने बदल गए, इतना परिवर्तन कि अब हमारे सबसे निकट वे हैं। जब इस सच्चाई को देखा तो विरोध करने की कोई बात नहीं है, अहिंसा और मैत्री से काम अच्छा हो सकता है। आज सारी स्थितियां बदल गई, आज सबको भी अनुभव करना है। मैंने तो देखा कि हिंदू मुसलमान ऐसा मानते हैं कि 2 विरोधी हैं, पर यह देखा कि मुसलमानों के मन में भी इच्छा है कि हमारा भाईचारा बढ़े और हिंदुओं के मन में भी है भाईचारा बढ़े। सब व्यक्ति सोच रहे हैं कि लड़ाई झगड़े में किसी का भला नहीं होगा, न होता है। हम वहाँ गए दरगाह में, काफ़ी देर रुके और वहाँ उनके जो प्रमुख हैं, पाकिस्तान से अभी आए हुए युवक ही हैं, छोटी अवस्था है 35 वर्ष की, पाकिस्तान से ये आए हुए थे और सारी बात की हमने। हमने कहा देखिए कि भाईचारे के बिना, शांति के बिना विकास नहीं हो सकता, इसलिए आप लोग जो सूफी संत हैं, शांति प्रिय लोग हैं, आप पाकिस्तान में भी इस बात को आगे बढ़ाएं कि भाईचारा बढ़े, लड़ाई झगड़े की ये मुद्रा न रहे।
बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि अच्छा है, एक बार आपको आप भी पाकिस्तान आए, मैं अपनी ओर से आपको पाकिस्तान आने का निमंत्रण देता हूँ। निमंत्रण भी मिल गया, अब हम तो कहाँ कहाँ जाए, संयुक्त राष्ट्र का भी निमंत्रण आ गया, पाकिस्तान का भी आ गया, और भी जगह से अमेरिका का भी है, कहाँ कहाँ जाए, हम तो कहाँ जाए। पर भावना एक जानी चाहिए कि अहिंसा बैर विरोध शत्रुता दुश्मनी का भाव होगा वह अहिंसा का विकास नहीं हो सकता और न समाज का विकास हो सकता। विकास के लिए शांति अनिवार्य है, अगर शांति नहीं है तो आप विकास नहीं कर सकते, शांति का होना जरूरी है और शांति के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। ये एक छोटी सी बात समझ में आ जाए तो काफ़ी परिवर्तन आ सकता है। आज सबको चिंतन करना है कि शांति कैसी आई, जटिल प्रश्न है शांति का कारण, मनुष्य में कषाय है, क्रोध मान माया लोभ भय घृणा कषाय और नो कषाय उपकषाय, ये मनुष्य में विद्यमान है और मनोविज्ञान की भाषा में ये सारे हमारे नकारात्मक भाव है, निषेधात्मक नेगेटिव एटीट्यूड और नेगेटिव थिंकिंग है, हमारे नकारात्मक हैं। जब तक ये नकारात्मक भाव प्रबल रहते हैं समाज में अशांति रहती है, परिवार में भी अशांति रहती है, संस्थाओं में भी अशांति रहती है और लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। आज हमें धर्म के द्वारा कोई पाठ लेना है, धर्म से कुछ सीखना है, तो ये सीखना है कि हम नकारात्मक भावों से कैसे मुक्ति पा सकें और सकारात्मक भाव कैसे ला सकें। आपके पास चार घंटा का समय भी बचता है, आजीविका के समय को छोड़ दें, देहचर्या के समय को छोड़ दें, तो भी चार घंटा का समय पास में बीतता है। यदि उस चार घंटा के समय में आप घंटा दो घंटा भी कोई साधना करें, तपस्या करें, तपस्या से मतलब मेरा उपवास नहीं है, उपवास एक अलग बात है और मैं तो उपवास करने वालों को भी परामर्श देना चाहता हूँ, कोरा उपवास न करें, उपवास के साथ भी स्वाध्याय करें, ध्यान करें, नहीं तो उपवास में जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा का ठीक जनरलाइज न करें, उसको मतलब ठीक विनिमय न करें, तो कभी कभी ऐसा होता है कि ऊर्जा उपवास में क्रोध भी बढ़ जाता है और बढ़ता है बहुत लोगों का। इसलिए स्वाध्याय और ध्यान अपने आप को जानने के दो बड़े साधन हैं, स्वाध्याय और ध्यान। हम पढ़ें, ऐसे शास्त्र पढ़ें जिनसे हमारा पथ दर्शन हो, हमें प्रकाश मिले। इसलिए हम हर प्रवृत्ति का आचार शास्त्रीय दृष्टिकोण से निरीक्षण करें, परीक्षण करें, मीमांसा करें और प्रवृत्ति और परिणाम दोनों को एक साथ रखकर निर्णय करें कि यह काम हमें करना चाहिए या न करना चाहिए, कर्तव्य और अकर्तव्य, खाद्य और अखाद्य, गम्य और अगम्य, इन सारे जो आचार शास्त्रीय कोण हैं इन पर प्रवृत्ति और परिणाम, वर्तमान और भविष्य दोनों को सामने रखकर हम विचार करें तो शायद जीवन बहुत अच्छा बीतता है, आनंदमय बीतता है और हम आनंद के साथ सुखमय जीवन जी सकते हैं। मैं तो मानता हूँ यह ऐसा दर्शन करना यह एक जीने की कला है और इस कला पर हमें निरंतर विचार करते रहना चाहिए। ओम आर्थम। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः।